हेलो बच्चों, तो क्लास में आ गए सब? हो गई मैथ्स की क्लास कंप्लीट, जल्दी हो गई उनका। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कैपिलैरिटी के, मैं एग्जांपल बता रहा था तुम्हें बहुत सारे, कैसे जो लिक्विड है रेज करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताए थे तुमने घर पे, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे या देखे होंगे उस टाइप के। अब इसमें पढ़ेंगे हम लिक्विड रेज कर रहा है तो उसकी जो कितनी हाइट तक रेज करेगा उसका वैल्यू निकालेंगे हम यहां पर। अब तो राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, तो ठीक है, लिक्विड राइज कर रहा है या डिप्रेस होगा तो उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में टेंशन नहीं लेनी है हमें। तो ये सिंपल, ये ट्यूब ले लेते हैं इस तरह से, डायमीटर इसका कमी रहेगा पर यहां पर थोड़ा बड़ा शो करना है इस जगह पे डायमीटर को। ये लिक्विड, ठीक है, इसमें मान लो यहां तक लिक्विड रेज करता है ऐसे, है ना, एच हाइट पर। इस एच की वैल्यू यहां देखिए, ठीक है, इस तरह से इसमें ये शेप रहेगी, ग्लास ट्यूब है, ये वाटर ले लेते हैं। अब मैंने बताया था यहां पर, तुम्हें याद हो तो, दो टाइप की मैंने शेप डिस्कस की थी, मतलब ये इस साइड से देखेंगे ऊपर से तो ये कॉनकेव दिखेगा और इस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स। और मैंने बताया था कॉनकेव साइड पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। कॉनकेव साइड पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और दोनों का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अंदर प्रेशर पी, बाहर सपोज अगर एटमोस्फियर है ये लिक्विड ड्रॉ करते हैं तो ये पी माइनस पी नॉट, ये है हमारे पास 2t/r, r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी ये रेडियस बन रही ड्रॉप की। इस तरह से अगर इसकी जगह अगर जैसे कोई एयर बबल भी था तो यहां पर, तो यहां और यहां इन दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस किसके इक्वल आता है, 2t/r के। सो बबल अगर होगा तो सो बबल के केस में 4t/r होता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहां पर बात करते हैं इस वाले सरफेस की, तो ये इसमें एक ही फ्री सरफेस है, ऊपर वाली फ्री सरफेस है, नीचे वाली नहीं है ना, एक ही फ्री सरफेस है। जब एक ही फ्री सरफेस होती है तो प्रेशर डिफरेंस होता है 2t/r, ठीक है, 2t/r प्रेशर डिफरेंस होता है। तो यहां पर मैं बता सकता हूँ कि कौन सी साइड है, कॉनकेव साइड, तो कॉनकेव साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा और इस साइड पर प्रेशर कम होगा। तो यहां पर जो प्रेशर होगा नॉर्मली एटमोस्फियर है, इस जगह पे प्रेशर क्या रहेगा, एटमोस्फियरिक प्रेशर, और यहां पर जो जस्ट इसके नीचे इस सरफेस के जस्ट इस वाले पार्ट पर प्रेशर कम होगा, पी जीरो ज्यादा होगा, ठीक है, पी से पी कम होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, कितना डिफरेंस होगा, 2t/r का, कितना डिफरेंस होगा, 2t/r, r जो ये कर्वेचर जो बन रहा है सरफेस का उसकी रेडियस है, ये डिफरेंस होगा P0 - P0, मतलब यहां पर प्रेशर हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन में ये वाला प्रेशर, दोनों का डिफरेंस 2t/r होगा। ये क्लियर है सभी को, ऐसा मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार, कि यहाँ पर प्रेशर पी जीरो ले रहा हूँ मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर एयर है, और यहाँ पर प्रेशर पी, यह ज्यादा होगा ये कम होगा, और दोनों का डिफरेंस 2t/r होगा। यहाँ तक सबको आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ समझ में, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कमेंट सेक्शन बता दो एक बार। सक्षम, सुरभि, राधिका, श्रीश, स्वाति, कुणाल, सानिध्य, नहीं है, क्लियर है सर, यस सर, नो सर, कुछ बताओ। हाँ ये होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर पी है वो कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब हमने इससे पहले जो हाइड्रोस्टैटिक्स था, हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, कोई लिक्विड है, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, ये पढ़ा था हमने, याद हो तुम्हें। तो देखो ये लिक्विड, तो
तो एक पॉइंट में यहां पे ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, सेम लिक्विड वाटर है, ये पानी है हमारा, ये और ये, इन दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये फिर किसके कॉन्टेक्ट में, एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में, मतलब यहां पर प्रेशर पी जीरो, इस जगह पर प्रेशर क्या होगा पी जीरो, यहां पर भी प्रेशर क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर भी प्रेशर पी जीरो ही होना चाहिए यहां पर, और यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए सेम, सेम लिक्विड में सेम लेवल का प्रेशर सेम रहेगा। तो ये सरफेस पर है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर प्रेशर पी जीरो, यहां पर पी जीरो होना चाहिए। और इसी लिक्विड के अंदर इस पॉइंट से यहां से मैं जब कितना हाइट नीचे आ रहा हूं, एच हाइट, यहां से एच हाइट नीचे आऊंगा, किसी भी लिक्विड में एच डेप्थ नीचे जब जाते हैं तो प्रेशर कितने से चेंज हो जाता है, रो जी एच से, यहां से यहां जाऊंगा तो प्रेशर कितने से चेंज होगा, रो जी एच से, मतलब यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा, कितने का डिफरेंस होगा, रो जी एच का, ठीक है। तो सिंस पॉइंट टू इज एच डेप्थ बिलो, ये जो शेप होती है ये वाली लिक्विड सरफेस की शेप, उसको मेनिस्कस भी बोल देते हैं, जैसे कर्व शेप जो बनते हैं लिक्विड सरफेस की, उसको मेनिस्कस भी बोल सकते हैं। मेनिस्कस से कितना एच डेप्थ बिलो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना आना चाहिए, रो जी एच के इक्वल। सो पी जीरो माइनस पी इक्वल्स टू रो जी एच, ये चीज भी होगी, रो इस लिक्विड का डेंसिटी, जी और एच डेप्थ में आएंगे तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाता है, मतलब यहां ज्यादा प्रेशर होगा यहां कम होगा। तो ये दो इक्वेशन बनते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, ये किसकी वजह से, कॉनकेव साइड हैज मोर प्रेशर देन कॉन्वेक्स साइड, तो उसकी वजह से ये मिलेगा, और एच डेप्थ में आने पर ये मिलेगा। अब दोनों को देखेंगे तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, दैट मींस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू रो जी एच इसके इक्वल होगा टू टी अपॉन आर के, तो यहां से एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टू टी अपॉन रो जी आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये जो आर है, ये आर, ये जो सरफेस है ना, इसकी रेडियस है। अब हम मान लेते हैं ट्यूब जो है, ये ट्यूब सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी, सिलेंड्रिकल ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, तो इसको मैं देखो ऐसे शो कर रहा हूं, ये ट्यूब है, ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल आर, और ये जो कर्वेचर बना हुआ है यहां पर, ये ऐसे ये पूरा सर्कल बना होगा इस तरह से, इसकी रेडियस यहां पर कैपिटल आर, ठीक है। यहां पर जैसे हम वो बनाते हैं कितने से, जहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है लिक्विड के अंदर, जो टेंजेंट होती है सरफेस की टेंजेंट, और ये सरफेस, ये इसके बीच का एंगल, ये कौन सा एंगल होता है, थीटा होता है, ये थीटा होगा, ठीक है। तो ये पूरा 90 है, यहां से यहां पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है और रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल में स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में क्या रिलेशन है, स्मॉल आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, या आर की वैल्यू लिख सकता हूं आर अपॉन cos theta, तो वहां पर पुट कर देंगे इसको, सो h इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 2t rho g r अपॉन cos theta, cos theta ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां जो कैपिटल r है इस जगह पर, ये कैपिटल r इक्वल्स टू क्या है, रेडियस ऑफ शेप ऑफ मेनिस्कस, तो मेनिस्कस है उसके शेप की रेडियस है,
कैपिटल आर दो, और स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, हियर स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो स्मॉल आर जो है ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, ये जो ट्यूब है ना इसकी रेडियस है, और कैपिटल आर ये जो शेप बनी ये वाला कर्वेचर जो बना इसकी रेडियस है कैपिटल, दोनों में डिफरेंस है। ये फॉर्मूला हो जाएगा एच इक्वल्स टू टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, और यहां से ले सकते हैं एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब दो ट्यूब है, एक थिकनेस कम है एक की थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, मतलब एक की रेडियस कम है एक की रेडियस ज्यादा है, तो इसकी रेडियस कम होगी उसमें ज्यादा हाइट तक लिक्विड जाएगा, इसकी रेडियस ज्यादा होगी उसमें कम हाइट तक लिक्विड ट्रेवल करेगा, क्योंकि एच आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर कम हाइट ज्यादा, आर ज्यादा हाइट कम। ठीक है, मेनिस्कस मतलब शेप जो होता है, शेप शेप जो बनती है लिक्विड हम डालते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ, जो शेप जो बनाता है जो लिक्विड की शेप जो होती है, ओपन सरफेस की शेप जो होती है लिक्विड की, उसको मेनिस्कस बोल देते हैं, या तुम चाहो तो शेप ऑफ लिक्विड सरफेस भी बोल सकते हो, मेनिस्कस की जगह शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। तो ये राइस का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, एच इक्वल्स टू टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, या फिर एच इक्वल्स टू टू टी अपॉन रो जी आर, यहां पर कौन सी रेडियस है, जो मेनिस्कस का शेप जो है, जो लिक्विड की सरफेस का शेप है ना उसकी रेडियस है यहाँ पर कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है ट्यूब की रेडियस, ये ट्यूब है उसकी रेडियस है। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा, यहां यहां प्रेशर डिफरेंस 2t / r, एच डेप्थ पर प्रेशर रो जी से इंक्रीज हो जाएगा, और यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल ही रहेगा, तो इसका इसका डिफरेंस रो जी एच, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे ये आ जाएगा, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे जो आइडियल केस में ग्लास और वॉटर, ग्लास है और वॉटर है, तो ग्लास और वॉटर के लिए आइडियल केस में मैंने थीटा क्या बताया था, जीरो डिग्री, थीटा जीरो डिग्री लिखूंगा यहां पर, कॉस जीरो वन टू टी अपॉन रो जी आर। ठीक है, और मरकरी और ग्लास के लिए मैंने बताया था आइडियल केस में एंगल की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री, किसके लिए, जब मरकरी डाल रहा है इसके अंदर, मरकरी जब डाल रहा है तब क्या होगा वॉटर की जगह, तो कॉस 135, कॉस 135 क्या होता है माइनस वन बाय रूट टू, तो एच का वैल्यू जो आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब वो डिप्रेस होगा, प्रेस नहीं करेगा क्या होगा, डिप्रेस होगा, क्योंकि थीटा क्या आएगा उसमें 135, तो कॉस थीटा नेगेटिव, नेगेटिव तो एच की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी मतलब वो डिप्रेस होगा फिर, तो जिसमें थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो रेज करता है, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो डिप्रेस होता है, उसी कैपिलरी में वो लिक्विड डिप्रेस होगा ऑब्ट्यूस एंगल के केस में, और एक्यूट एंगल के केस में क्या होगा रेज होगा, इस चीज को भी हम ध्यान रख सकते हैं। इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज एन एक्यूट एंगल then liquid will raise in capillary, or an obtuse angle, the obtuse angle then liquid will depress इन कैपिलरी, कैपिलरी में डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर, डबल पी थोड़ी है, कितना डिप्रेस हो जाएगा कैपिलरी में, तो ऑब्ट्यूस एंगल के केस में डिप्रेस होगा, तो जैसे ग्लास ट्यूब में मरकरी में डालेंगे तो ट्यूब के अंदर लिक्विड डिप्रेस होगा, और वही ग्लास ट्यूब है वॉटर में डालेंगे तो रेज हो जाएगा, तो ये डिफरेंस हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला ये वाला,
ये फॉर्मूला निकाला नहीं है, इस फॉर्मूला को दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक और मेथड है मेरे पास, उसको भी देख लेते हैं, सेम यही फॉर्मूला को निकालेंगे। ठीक है, ध्यान मेनली फर्स्ट वाला मेथड ध्यान रखना है, एक और मेथड है उसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रेफर करता हूं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है इसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, फोर्स लगाता है यहां पर, यहां वाले जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल पर, इधर वाले जो सरफेस टेंशन एक्चुअल में आता कहां से, सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कोहेसिव फोर्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होता है कोहेसिव फोर्स, वो कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होता है। और ये इस तरह की शेप क्यों बनती है, इसमें अलग अलग टाइप की शेप, क्योंकि यहाँ पर ग्लास सरफेस के साथ एक और फोर्स लगता है, कौन सा, एडहेसिव फोर्स, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स भी लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है लिक्विड का, उस पर बाकी मॉलिक्यूल्स ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, सपोज मान लेते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा सरफेस टेंशन टी। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ना, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वाले मॉलिक्यूल इस पर इस तरफ एक्शन लगा रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो इन वाले मॉलिक्यूल्स पर उस साइड क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो एक्शन का रिएक्शन होगा, तो ऐसे सरफेस टेंशन इस तरफ बढ़ेगा उतनी ही एंगल पर, कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, ऐसे इसकी पूरी सरफेस बनेगी, जो पूरी कॉन्टेक्ट सरफेस होगी ऐसे करके आर रेडियस में, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है ये बीच में से होता है, मतलब ये जो कॉन्वेक्स होता है ना, जैसे तुम इसको कैसे शेप कर इमेजिन कर सकते हो, जैसे तुम्हारे घर में कोई बॉल वगैरह कुछ भी आ गई है ना, बॉल है, तो बॉल में कॉन्टेक्ट जो रहेगा वो पूरा ये से सर्कमफेरेंस वाला जो पार्ट रहता है बॉल का ऊपर ऊपर वाला, वो कॉन्टेक्ट में रहेगा बॉल के साथ, सिलेंडर की वॉल के साथ वो कॉन्टेक्ट में रहेगा, और बीच में से लिक्विड ऐसे नीचे दबा हुआ रहेगा, तो बीच वाला लिक्विड जो दबा हुआ है वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, कॉन्टेक्ट में क्या है, सरफेस वाला ही है ऊपर वाला पोर्शन। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो कॉन्टेक्ट में रहेगा वो कितनी रेडियस के कॉन्टेक्ट में रहेगा, आर रेडियस, ये जो आर रेडियस से बनेगी उसके कॉन्टेक्ट में रहेगा। तो इस पूरी रेडियस वो लिक्विड के कॉन्टेक्ट में रहेगी पूरी पूरी रेडियस, और हर रेडियस पे हर पोर्शन भी क्या लग रहा है, वो फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से, तो इसे जैसे इधर लग रहा है वैसे इधर भी बन रहा होगा, ऐसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट्स बनाए सब पॉइंट्स पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा। अब इसे सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर बनेगा टी कॉस थीटा, जैसे इसका भी टी का इधर टी कॉस थीटा बन जाएगा, और एक इधर बनेगा टी साइन थीटा। तो ये जो t sin थीटा आएंगे ये ऐसे रेडियली आउटवर्ड होंगे सारे के सारे सभी डायरेक्शन में, और सबकी रेडियली आउटवर्ड भी क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है तो रेडियली आउटवर्ड मतलब ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये सब रेडियली आउटवर्ड, तो इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये t sin थीटा वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा टी कॉस थीटा वाला, टी कॉस थीटा वाला ऊपर लग रहा है, तो टी कॉस थीटा की वजह से इस पर नेट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो जाएगा टी कॉस थीटा, और इसकी लेंथ जो कॉन्टेक्ट में कितनी, टू पाई आर, आर ट्यूब की रेडियस है यहां पर, टी कॉस थीटा इंटू टू पाई आर, इतनी सरफेस इतना फोर्स लग रहा हो, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये फोर्स क्या करता है, ये लिक्विड को यहां से रेज करना स्टार्ट करता है, यही वाला फोर्स t cos थीटा टू पाई आर, इसको रेज करना स्टार्ट करता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और एक फिक्स हाइट तक रेज करता है, मान लो वो हाइट h है, ठीक है, उसके बाद फिर और ज्यादा रेज नहीं कर पाता,
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस ट्यूब में क्या हो रहा है, लिक्विड आता जा रहा है, इस लिक्विड का एक्स्ट्रा वेट इसके अंदर आता जा रहा है, एक्स्ट्रा मास आता जा रहा है, वो वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ। अब ये वाला फोर्स तो फिक्स है, ये स्टार्टिंग से यहीं पर जब लिक्विड की सरफेस ऐसे बनती होगी यहाँ पर, तब से लगना स्टार्ट हो गया था वाला फोर्स, ठीक है। पर अपोजिट डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा था यहाँ पर, एक्स्ट्रा एम जी आ नहीं रहा। फिर जैसे जैसे इसमें लिक्विड रेस किया, एक्स्ट्रा एम जी आने लगा, जितना ज्यादा रेस होगा उतना ज्यादा एम जी होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है टी कोस टेंड टू पाई आर, वो क्या करेगा, इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, मान लो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 50 न्यूटन है, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा 50 न्यूटन। मास इसमें आएगा धीरे धीरे, इसका वेट बढ़ेगा, पहले 5 फिर 10 फिर 20 फिर 40 और फाइनली जैसे 50 होगा, इसके वेट का वैल्यू 50 होगी, वैसे ही ये रेस करना रुक जाएगा, एक फिक्स हाइट तक ही रेस करेगा फिर उसके बाद। तो इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब is equal to force due to surface tension. Surface tension की वजह से force, तो weight मतलब mg, surface tension की वजह से force t cos theta into 2 pi r, mass, mass को ले सकते हैं density into volume. सर सब कैंसिल हो गया तो ये क्यों लगेगा? अरे टी साइन थीटा वाला कैंसिल किया ना हमने, हमने टी साइन थीटा वाला कैंसिल किया, ये टी साइन थीटा जो रेडियल या आउटपुट लग रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये टी साइन थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ टी कॉस थीटा वाला लगेगा, ये सेम डायरेक्शन लग रहे हैं, सब ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर भी ऊपर लग रहा होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस पूरी सरफेस को ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो ये टोटल टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर नेट ऊपर की तरफ लगेगा और ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये लिक्विड को रेस करेगा ऊपर, ठीक है। और जब तक कब तक करेगा, जब तक इसे वेट की इक्वल नहीं हो जाए तब तक रेज होगा, तो वेट टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, मास, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो और वॉल्यूम, इस सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 2d cos थीटा, इधर बचेगा रो आर एच जी, इधर 2t cos थीटा, तो h की वैल्यू हो जाएगी यहां से 2t cos थीटा अपॉन रो एच आर, सॉरी रो जी आर, सेम फॉर्मूला मिल रहा है, पहले भी यही मिला था हमसे 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, अभी भी वही मिल रहा है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, इससे भी निकाल सकते हैं हम, इस कॉन्सेप्ट से भी, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है और वो फोर्स लिक्विड को ऊपर राइज करेगा, कब तक, जब तक उसके वेट के इक्वल नहीं हो जाए, वेट के इक्वल पुट कर देंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रख सकते हैं इसमें। फिर इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं हम, जैसे मान लो थीटा का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब यहाँ पे कंप्लीट हेमिस्फीयर बन रहा है, तो 0 डिग्री ऊपर थीटा का वैल्यू तो तभी होता है पॉसिबल जब ये कंप्लीट हेमिस्फीयर बनता है ऐसे, तभी टेंजेंट जो बनाएगी ये ऐसे आएगी लाइन के अलोंग की, तब फिर ये 0 डिग्री होगा, अगर कंप्लीट हेमिस्फीयर नहीं है तो फिर टेंजेंट ऐसे आएगी। तो थीटा 0 लेके कर रहे हैं और कंप्लीट हेमिस्फीयर लेके, तो इसमें करेक्शन हम यूज में ले लेते हैं, करेक्शन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कंप्लीट हेमिस्फीयर बन रहा है,
लिक्विड ऐसे आएगा इसके अंदर यहाँ पर, देखिए हाइट जो लेते हैं हम यहाँ देख लेते हैं, इस लेवल देख लेते हैं हाइट h। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वाले मास को ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे जो लिक्विड है इस जगह पे लिक्विड और इस जगह पे जो लिक्विड है उसके मास को ऐड नहीं किया हमने, हमने सिर्फ ये h लेंथ को मेल्ट किया है यहाँ से, सिर्फ इसका मास ऐड किया, ये वाला मास हमने छोड़ दिया। इस वाले मास को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो, तो इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम बता सकते हैं कि हम यहाँ पर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो ये रेडियस इसकी आर है ना, तो ये भी आर ही होगा, तो ये पूरा अगर लें तो एक सिलेंडर बन गया ये छोटा सा जिसकी रेडियस भी आर है और लेंथ भी आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस पूरे पोर्शन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर क्यूब, और उसमें से अगर मैं हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को सेपरेट कर दूं, ये जो सिलेंडर है ना आर रेडियस और आर हाइट का, उसमें से अगर मैं इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को सेपरेट कर दूं तो बचा हुआ वॉल्यूम मिल जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³, तो ये जो पोर्शन आया ये वाला इधर वाला इधर वाला, इसका वॉल्यूम आ गया मेरे पास 1/3 πr³, ठीक है, तो इसका मास भी ऐड करेंगे, इतने पोर्शन का मास भी ऐड करेंगे, तो टोटल मास जो होगा mg इक्वल्स टू t cos थीटा इंटू 2π, थीटा तो हमने जीरो ले लिया तो t इंटू 2πr, ठीक है, m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इस नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम πr² स्क्वायर है प्लस इसका इसका वॉल्यूम भी ऐड करेंगे कितना आया 1/3 πr³ इंटू g t इंटू 2πr, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन में चला जाएगा, रो और जी को भी अपॉन में लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एच प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर बाई थ्री बचेगा यहाँ पर और बन जाएगा 2t/r ρg, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 2t/r ρg − r/3, तो ये करेक्शन हो जाएगा इसी फॉर्मूला में, जब थीटा जीरो लेके हम करेंगे यहाँ कंप्लीट हेमिस्फीयर बनेगा, तो हाइट जो होगी कितनी हाइट तक राइज करेगा, मतलब ये h 2t/r ρg − r/3, तो करेक्शन जो होता है कभी कभार ही पूछा जाता है मेनली, तो यही फॉर्मूला में ध्यान रखना है यही वाला, वो शायद मान लो अगर आ गया कभी तो इसको भी हम ध्यान में रख सकते हो इस चीज को भी, कैपिलरी राइज में, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला करेक्शन वाला। अब इसमें थोड़ा कुछ अलग अलग करते हैं कैपिलरी राइज के साथ ही, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइज ऑफ लिक्विड with insufficient height of capillary, मतलब sufficient height नहीं है, height थोड़ी सी अलग है, change है, actual कर क्या रहते हैं कुछ experiment में, जैसे मान लो ट्यूब है, इसको डाला हमने capillary ट्यूब को, तो इसमें इतनी height तक liquid raise कर गया almost उसके level तक ही, जिस तरह से मैंने इसका शेप कुछ इसकी कुछ अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने इसका की। अब क्या कर रहे हैं हम, इस कैपिलरी की जगह दूसरी कैपिलरी ले रहे हैं जिसकी हाइट जो है वो इतनी है, हाइट काट दी हमने छोटी कर दी, तो क्या होगा इसमें कभी भी कैपिलरी की, कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी के प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, एक तो ये नॉर्मल ट्यूब की तरह नहीं होती, मतलब ये बहुत ही पतली ट्यूब होती है, इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, जैसे नाम बताया मैंने बताया था कि हेयर जो होती है अप्रोक्स उसकी थिकनेस के इक्वल कैपिलरी की थिकनेस होती है, ठीक है, या उसके कंपैरिजन में होती है, वो
और ज्यादा नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, कैपिलरी के अंदर कभी भी लिक्विड जो है ओवरफ्लो नहीं होता, भले उसकी हाइट कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, कभी भी लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होता कैपिलरी के अंदर। तुम घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कुछ भी, जैसे वही जैसे चिमनी वगैरह होती है ना, लालटेन जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ यहाँ तक, इसके अंदर कैपिलरी ये थ्रेड लगी होती है कोटिंग की, तो कभी भी ये जो केरोसिन होता है यहाँ से ओवरफ्लो नहीं होता कभी भी, भले कितना भरा हो लिक्विड या फिर खत्म होने वाला, कभी भी केरोसिन ऐसे बाहर निकल के नहीं आएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, मतलब फूट के नहीं निकलेगा इससे, क्योंकि इसके अंदर कॉटन होती है, कॉटन के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती है, तो कभी भी लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होता इसके अंदर कैपिलरी के अंदर। नॉर्मल ट्यूब नहीं, थोड़ी डिफरेंट है ना, नॉर्मल ट्यूब के अंदर प्रेशर लगा दो कुछ, इतना पानी भरा हुआ है छोटा कर दिया तो ओवरफ्लो होकर गिर जाएगा, वो नॉर्मल ट्यूब में हो सकता है, कैपिलरी के अंदर नहीं होता। तो इसमें पहली चीज तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है कि इन कैपिलरी ट्यूब ओवरफ्लो नेवर हैपन, ओवरफ्लो कभी नहीं होगा, चाहे सफिशियंट हाइट हो या नहीं हो, ओवरफ्लो कभी नहीं होगा, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। तो हम ऐसे काट देंगे तो ओवरफ्लो नहीं होगा, कभी लिक्विड से बाहर नहीं निकलेगा। मेन चीज क्या होगी, जैसे पहले इसकी जो मेनिस्कस की शेप मान लो ऐसे बन रही थी, इस तरह से बन रही थी मेनिस्कस, बस मेनिस्कस की शेप जो होगी रेडियस वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो पहले ज्यादा डीप में जा रही थी अब वो थोड़ा कम हो जाएगी, इस तरह से रेडियस चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी रेडियस, पहले कर्वेचर ज्यादा आ रहा था, मतलब इस तरह से रेडियस कम, अब ये इस तरह से शेप हो जाएगा, तो इसका मैं स्फीयर बनाऊंगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, बस कर्वेचर की रेडियस चेंज हो जाएगी, पहले आर थी अब आर डैश हो जाएगी, ठीक है, अगर हाइट को कम कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, एच इक्वल्स टू टू टी अपॉन रो जी कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या था हमारे पास, कर्वेचर की रेडियस, ये जो मेनिस्कस जो बन रहा था उस मेनिस्कस की रेडियस थी, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर तुम हाइट कम कर दोगे तो ये एच इंटू आर जो रहेगा ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ओवरफ्लो कभी भी नहीं होगा। इसको ऐसा लिख सकें हम एच आर इक्वल्स टू एच डैश आर डैश, कर्वेचर की रेडियस बढ़ जाएगी हाइट अगर कम होगी तो, हाइट पहले ज्यादा थी, ज्यादा हाइट थी, रेडियस कम आ रही थी कर्वेचर की, ठीक है, अब हाइट कम हो जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, ये कम होगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा फिर, तो ये कर्वेचर की रेडियस बढ़ जाएगी, पहले ऐसे डीप में जा रहा था छोटी रेडियस, अब ऐसे हो जाएगा रेडियस बढ़ जाएगी हाइट कम होगी तो, पर ओवरफ्लो कभी भी नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना, कर्वेचर की रेडियस चेंज हो जाएगी, ओवरफ्लो कभी भी नहीं होगा, हाइट अगर कम कर दोगे तो कर्वेचर की शेप चेंज हो जाती है, रेडियस चेंज हो जाती है, ये लिक्विड की सरफेस कर्वेचर जो है इसका, ठीक है। मोमबत्ती में भी यही होता है कि हाँ सभी में वही होता है, जिसको तुम वो बैग से ना मेल्ट हो जाती है, वो गर्म रहती है, जब गर्म होती है मेल्ट होती है फिर वो रेस करती है उस कॉटन थ्रेड के थ्रू, कैपिलरी राइज होता है वहां पर भी, ठीक है। और दूसरी चीज इफ जी इफेक्टिव बिकम्स जीरो, फॉर्मूला जो होता है हमारा ये आगे यही बात है, एच इक्वल्स टू डी अपॉन रो जी आर, तो अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई, जी की वैल्यू जीरो होगी तो एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नॉर्मल तो यही समझना चाहिए जहां पर जी जीरो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल क्या रह सकते हैं, फ्री फॉलिंग लिफ्ट हो गई, लिफ्ट है, केबल किसी ने काट दी, इसी में कैपिलरी रखी हुई थी, कैपिलरी ट्यूब, तो ये इक्वल्स जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो इस लिफ्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या फील करेगा, वेटलेसनेस फील करेगा, जी डैश जी इफेक्टिव जो होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे आती है तो जी इफेक्टिव क्या लिखते हैं, जी माइनस ए, और ए का वैल्यू जी के इक्वल हो गया, मतलब फ्री फॉल हो रहा है लिफ्ट का,
तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जीरो। जी इफेक्टिव जीरो होती ही कैपिलरी एच जो होगी लिक्विड रेज करेगा उसके अंदर कितनी हाइट तक, इनफाइनाइट हाइट तक। पर ऐसा नहीं होता, इनफाइनाइट हाइट मतलब वो नहीं लेंगे, जितनी हाइट कैपिलरी ट्यूब की जितनी भी हाइट होगी उतनी हाइट तक लिक्विड रेज करेगा। जी इफेक्टिव बिकम जीरो, अगर जीरो बन जाता है जी इफेक्टिव, इसको तुम चाहो तो सैटेलाइट में भी ले जा सकते हो, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है आपके अराउंड या किसी स्पेसशिप वगैरह किसी में लेके, वहां पर भी जी इफेक्टिव क्या होता है, जीरो होता है। जी इफेक्टिव जीरो होगा तो जितनी कैपिलरी ट्यूब की हाइट होती है उतनी हाइट तक लिक्विड रेज करता है, ओवरफ्लो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं करना है कभी भी कैपिलरी के साथ, ठीक है। तो जब जी इफेक्टिव बिकम जीरो देन लिक्विड रेज इन कैपिलरी टू इट्स मैक्सिमम कंप्लीट लेंथ, मतलब जितनी भी लेंथ होगी, जैसे लेंथ दी हुई है उसकी 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 2 मीटर जितनी भी लेंथ दी है, तो जितनी लेंथ कैपिलरी ट्यूब की होगी उतनी लेंथ तक क्या होगा उसमें लिक्विड ड्रेस कर जाएगा। जैसे मान लो नॉर्मल कैपिलरी, ठीक है, इसकी लेंथ है सपोज क्वेश्चन में दे दिया इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और नॉर्मल कंडीशन में इसमें लिक्विड ड्रेस कर रहा था कितना, 10 सेंटीमीटर तक ड्रेस कर रहा था, कितने सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक, और कैपिलरी की लेंथ थी 50 सेंटीमीटर। अब लिफ्ट का फ्री फॉल हुआ या सैटेलाइट पर है तो सैटेलाइट के अंदर क्या होगा, तो जितनी कैपिलरी की लेंथ होगी, कैपिलरी की लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर तक लिक्विड उसमें क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा जितनी भी कैपिलरी की लेंथ होगी। तो जहां पर भी जी इफेक्टिव जीरो होता है ना, जी की जो इफेक्टिव जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जीरो हो जाता है, ना वेटलेसनेस की कंडीशन, तो उस केस में क्या होगा, जितनी लेंथ होगी ट्यूब की उतनी लेंथ तक लिक्विड रेस करेगा, ठीक। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो सरफेस टेंशन इम्प्योरिटी से कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर के साथ या इम्प्योरिटी के साथ कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन एक तो जाएगा टेम्परेचर, इसमें भी ध्यान रखना है, देन राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स, वो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और मेनली कोहेसिव फोर्स पर डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा ज्यादा सरफेस टेंशन होगी, कम हो जाएगा कोहेसिव फोर्स तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है जब हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। एक चीज पर ध्यान रखना, टेम्परेचर के साथ इसके लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम होता है। दूसरा विद इम्प्योरिटी, दो तरह से रिएक्ट करता है, इफ इम्प्योरिटी इज completely soluble, soluble ऐसे लिखते हैं मतलब पूरी तरह से उसमें घुल जाए, है ना, then surface tension of liquid increases,
तुम कुछ ऐसी चीज डाल दो लिक्विड के अंदर, उसमें कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए, मतलब पूरी तरह से खुल जाए उसके अंदर अच्छे से, पूरी तरह से खुल जाएगी तो उससे क्या होगा, सरफेस टेंशन उसकी बढ़ जाती है लिक्विड की। जैसे पानी के अंदर कोई भी जो कंप्लीटली सोल्यूबल ऑब्जेक्ट डाल दो, जैसे तुमने नमक डाल दिया कुछ भी, है ना, NaCl डाल दिया, तो जो खारा पानी होता है मतलब नमकीन पानी होता है, NaCl डाल दिया, NaCl कंप्लीटली घुल जाता है उसके अंदर पूरी तरह से घुल जाता है, तो उससे क्या होता है उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, इसका पानी का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो ओशियन के अंदर जो वाटर होता है, पानी जो होता है ना, ओशियन वाटर, वो इम्प्योर होता है, उसमें मेनली क्या होता है, NaCl घुला होता है, नमक घुला होता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है नॉर्मल जो हमारा रिवर वाटर होता है उसकी कंपैरिजन में। रिवर वाटर मतलब उसमें NaCl नहीं है, और ओशियन के अंदर NaCl है तो वहां पर ज्यादा सरफेस टेंशन है ओशियन के अंदर रिवर वाटर के कंपैरिजन में, और ज्यादा सरफेस टेंशन है, ज्यादा सरफेस टेंशन है मतलब हम बोल सकते हैं कि ज्यादा रेजिडिटी है, ज्यादा रेजिडिटी है सरफेस की, तो उसमें जो वेव्स बनेगी वो इजीली बनती है और बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती है किसके अंदर, ओशियन के अंदर। तो ओशियन के अंदर जो वेव्स बनती है ओशियन वेव्स, इसी वजह से बड़ी बड़ी बनती है क्योंकि वहां पर सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, और रिवर के अंदर उतनी बड़ी बड़ी वेव्स नहीं बनती, रीजन वही है कि वहां पर सरफेस टेंशन कम है, ठीक है। तो अगर इम्प्योरिटी अगर पूरी तरह से उसमें घुल जाती है, पूरी तरह से मिल जाती है, सोलिबिलिटी ज्यादा है उसकी, तो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देता है। दूसरा फैक्टर के इम्प्योरिटी इज partially soluble, then surface tension, जो टेंशन नहीं लिखा है आप लोगों ने, decreases, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, surface tension of डिटर्जेंट मिक्स वॉटर इज वेरी लो कंपेयर टू प्योर वॉटर, मतलब किसी पानी के अंदर हमने डिटर्जेंट डाल दिया तो डिटर्जेंट क्या होता है उसमें कंप्लीटली सोलेबल नहीं होता, क्योंकि हमें पता चल जाता है पानी के अंदर डिटर्जेंट डालेंगे तो वो धुंधला दिखता है थोड़ा, ठीक है, तो पार्टिकल जो होते हैं कंप्लीटली उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, सोप सॉल्यूशन जो होता है डिटर्जेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं पूरी तरह से बॉन्ड नहीं बनाते कंप्लीटली, ठीक है, तो पूरी तरह से उसमें मिक्स नहीं हो पाता है। जैसे तुम नमक घोलते हो पानी के अंदर, तो एक पानी नमक घुला हुआ है एक नहीं घुला हुआ है, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर उसी तरह से तुमने एक प्योर वाटर और एक में डिटर्जेंट वाला वाटर डाल दिया तो दोनों में आराम से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो थोड़ा धुंधला दिखता है, कलर चेंज हो जाता है एकदम, सॉप सॉल्यूशन जो होता है वो अलग ही दिखता है नॉर्मल वाटर से, तो मतलब पार्शियली सॉल्युबल होता है कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, तो उससे क्या होता है उसकी जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसका फायदा मिलता है सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का, कैसे, तुम ऐड देखते होंगे टीवी में बहुत सारे डिटर्जेंट के ऐड आते हैं, सर्फ एक्सल आता है, टाइड आता है, ठीक है, एरियल और भी एक्टिव व्हील और घड़ी और ये सब बहुत सारे डिटर्जेंट आते हैं, तो उनमें क्या बताते हैं ऐसे तुम्हें वो कॉटन के थ्रेड्स के बीच में ऐसे ही बताएंगे, मतलब ये धागों के बीच में एड के अंदर, किसी किसी एड मैंने देखा था बड़ी में, तो उसमें बता रहे थे ऐसे कि जो जैसे हमने उसके अंदर टाइड वगैरह कुछ मिला दिया अच्छे से पानी के अंदर, फिर उसे धो रहे हैं कपड़े, तो कपड़े धो रहे हैं तो वो रेशों के अंदर अंदर तक जाएगा वो पानी, और वहां पर जो डस्ट वगैरह होगी उसको लेके बाहर आ जाएगा और उसको अच्छे से साफ कर देगा कपड़ों को, ठीक। और अगर हम डिटर्जेंट डाल के नहीं धोएंगे तो वो जो कपड़े हैं वो अच्छे से साफ नहीं होंगे, थोड़ा मैल रह जाएगा उनके अंदर। रीजन क्या है, तो जब हम डिटर्जेंट डालते हैं तो डिटर्जेंट डालने से क्या होता है उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, किसकी,
वॉटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गई, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का मतलब है कि वो अब इजीली उस पर चिपकेगा कपड़े पर, कपड़े पर इजीली चिपकेगा। देखो दो तरह के मैंने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाला फॉर्मूला बताया, वो बताया था क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट में, एक हमने लोटस लीफ लिया था, लोटस लीफ के ऊपर ये ड्रॉप ऐसे जा रही थी, तो ड्रॉप उस लोटस लीफ पे चिपक नहीं रही थी, मतलब इसको मैं फिसल करूंगा तो फिसल के नीचे आ जाती है। और उसी की जगह ग्लास पे हमने डाला था तो ग्लास पे ऐसे बन रही थी ड्रॉप इस शेप में, तो ग्लास पे चिपक रही थी, ठीक है। मतलब अगर सरफेस टेंशन अगर कम हो जाती है तो दूसरे के साथ एडहेसिवनेस उसकी बढ़ जाती है, मतलब दूसरी चीज पे ज्यादा चिपक रहा है, जैसे ग्लास पे ज्यादा चिपक रहा है, यहाँ पे कम चिपक रहा है, तो जो सरफेस टेंशन में कम कर दूंगा मतलब कोहेसिव फोर्स कम कर दूंगा, एडहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा, एडहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा मतलब उस चीज पे ज्यादा चिपकेगा, ठीक है। तो जो लिक्विड होगा, पानी जो होगा वो चिपकेगा आराम से इसके ऊपर, है ना, और अंदर तक चला जाएगा इस आसन से। जैसे तुम खुद ने भी एग्जाम्पल में भी नोटिस किया होगा, जैसे उसमें ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो कॉटन नहीं है, मतलब रेयन वगैरह है या फिर पॉलिस्टर इस तरह से कुछ, तो उन कपड़ों में कभी कभी पानी पीते पीते ठंडा पानी, जैसे मान लो ठंडा पानी पी रहे हो तुम, तो ठंडा पानी पीते पीते कभी कपड़े पे गिर जाता है, वो गिरकर वो पूरा फिसलता हुआ नीचे चला जाता है, चिपकता नहीं बिल्कुल भी कपड़े पर, कपड़े पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता और सीधा फिसलता हुआ नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एडहेसिव फोर्स थोड़ा कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, ठंडा पानी है ना, टेम्परेचर कम है, सरफेस टेंशन ज्यादा है, टेम्परेचर कम है तो सरफेस टेंशन ज्यादा है, ज्यादा सरफेस टेंशन की वजह से वो कपड़े पे चिपकेगा नहीं, फिसल कर नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे जींस वगैरह का कपड़ा है इस तरह से, तो उस पर आसानी से वो जो वाटर की ड्रॉप जो गिर जाती है कभी कभी, वो फिसल कर सीधी नीचे चल जाती है, चिपकती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता होगा मेरे साथ तो, वैसे जो एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसकी जगह अगर तुम सॉफ्ट सॉल्यूशन वाला वाटर लोगे, डिटर्जेंट वाला वाटर लोगे, तो जहां पर तुम कपड़े पे डालोगे कभी भी फिसलेगा ही नहीं, वो फिसल के जाएगा ही नहीं, ड्रॉप डाली फिसल के जाएगी नहीं, वो वहीं पर ही चिपक जाएगी, वहीं रुक जाएगी। तो कर सकते हो एक्सपेरिमेंट इस चीज का, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत कम हो गया वहां पर, जैसे तुमने डिटर्जेंट डाला उसके अंदर सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जहां पर गिरेगा वहीं चिपक जाएगा कपड़े पर, फिसलेगा नहीं बिल्कुल भी, उसके अंदर जो फाइबर्स होंगे उसके अंदर चला जाएगा। अब डिटर्जेंट एक्चुअल में करता क्या है, डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कुछ ऐसे नेल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, नेल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो जब इसमें पानी के अंदर जब जैसे ये डस्ट है, कहीं पर डस्ट जैसे लगी हुई है, डस्ट जमी हुई कपड़े के ऊपर चिपकी हुई है, इसको नॉर्मल पानी में डाल दिया हमने, तो नॉर्मल पानी में डाल देगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी डस्ट के साथ, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। जब हम रगड़ेंगे इसको किसी चीज से, ब्रश वगैरह से रगड़ेंगे जोर से, तब जाके थोड़ा बहुत छूटेगा ही, फिर भी कंप्लीटली नहीं छूटेगा। पर जिसे डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये ऐसे नेल शेप में इन पे जाके से चिपक जाते हैं, इस वाली साइड से, इसके साथ डस्ट के साथ, डस्ट या जो भी चीज होगी यहाँ पर, मैल वगैरह जो भी होगा। और ये दूसरा वाला एंड जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्ट में आता है, ये वाला इधर वाले से वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये वाला एंड, और ये वाला एंड जो है डस्ट के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी अगर आप रफ करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स, एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, डस्ट के साथ चिपक गए। डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल की हेल्प से क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक तरह से इस डस्ट के साथ क्या हो गया, उस कपड़े के साथ चिपक गए, ठीक है। चिपक के क्या करते हैं ये, इनको जब थोड़ा सा भी इसको रगड़ते हैं कुछ भी करते हैं तो यहाँ से डस्ट अलग होती है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक डस्ट का, जैसे डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल के साथ ये इस तरह की शेप बना लेते हैं, मतलब ये जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डस्ट पार्टिकल को ऐसे घेर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल ऐसे एक एक जितने डस्ट के पार्टिकल्स होंगे सबको उस कपड़े से बाहर निकाल के जब हम पानी डालेंगे तो साफ हो जाएगा, तो एक डस्ट पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं फुटबॉल की बॉल के शेप के साथ, वो हमें दिखेगा नहीं, वो जूम करके अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो दिख जाएगा, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता ऐसा, ये जो भी चीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी की बुक अगर तुम खोलोगे तो वहां पर तुम्हें डायग्राम मिल जाएगा, ऐसा मिलता है डायग्राम। वैसे ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये इम्प्योरिटी क्या था, एक तरह से डिटर्जेंट डालने की वजह से वो कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। तो कभी कभी तुमने देखा होगा घर में कोई बहुत ही गंदी
कपड़ा हुआ या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो उसको फिर गर्म पानी में डिटर्जेंट डालकर फिर उसको धोते हैं, उसको साफ करते हैं। रीजन क्या है, गर्म पानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगी, कम, डिटर्जेंट डालेंगे और कम हो जाएगी, तो जितना ज्यादा सरफेस टेंशन कम होगा उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन जो होगा डस्ट को साफ करेगा, अच्छे से कपड़े को साफ करेगा। तो डिटर्जेंट कौन सा अच्छा होता है, डिटर्जेंट वो अच्छा होता है जो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, वॉटर के सरफेस टेंशन को डिक्रीज करे, जो जितना ज्यादा डिक्रीज कर देगा वॉटर के सरफेस टेंशन को उतना ही अच्छा वो डिटर्जेंट होगा और उतनी अच्छे से वो कपड़े को साफ करेगा। तो एक कुछ चीज तुम ध्यान रख सकते हो, तो जब भी तुम डिटर्जेंट लेने जाओ तो दुकान वाले से बोल देना कि कौन सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन कम करेगा, कौन सा वाला डिटर्जेंट, तो वो वाला हमको दे दो। ठीक, ऐसा नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है। पर जैसे जो महंगे वाले डिटर्जेंट जो होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है, जो थोड़े सस्ते आते हैं उनके अंदर थोड़ी कम होती है, बस सिंपल सी बात है, ज्यादा पैसे ले रहे हैं दूसरे वाले थोड़े कम पैसे ले रहे हैं। तो ये हमारा सरफेस टेंशन वाला पोर्शन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है यहाँ पे सरफेस टेंशन के अंदर, कैपिलरी राइज, एक्सेस प्रेशर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ग्लो कर रहे हैं तो किस वजह से, मतलब वो रेज, मतलब सॉप सॉल्यूशन बन रहा है, सॉप बबल बन रहा है, उसमें वॉल्यूम कितना हो रहा है, ये सब फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें जो हमसे पूछा गया था एग्जाम में, जेई मेंस 2020 के अंदर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं बनता है नहीं बनता। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक तो आर्किमिडीज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है और एक सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर, अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी डी, स्मॉल डी डेंसिटी ड्रॉपलेट की, इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड का डेंसिटी रो है, एंड सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है उसका, एंड सरफेस टेंशन T दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट इज, और इसमें ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द सरफेस टेंशन अप्लाइज an upward force on the droplet, ठीक है। ऑप्शन है इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन है R इक्वल्स टू रूट ओवर 2T अपॉन 3D प्लस रो इंटू जी। सेकेंड ऑप्शन है आर इक्वल्स टू रूट ओवर 3T अपॉन 2D माइनस रो इंटू जी। थर्ड ऑप्शन है आर इक्वल्स टू रूट ओवर टी अपॉन डी माइनस रो इंटू जी। और लास्ट है R equals root over T upon D plus rho into G। तो ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, वो बताना है कौन सा वाला होगा। तो सॉल्व करो और बताओ कितना आ जाएगा इसका आंसर।
कर रहे हो सॉल्व? नहीं कर रहे? बी आ रहा है श्रीश का, 3t/2d-√g। बाकी है कितना आ रहा है? ए आ रहा है, सानिध्य का कुणाल का ए आ रहा है, शीर्ष का बी आ रहा है, तो सिंपल है इसमें वो ड्रॉपलेट है, रेडियस है आर, हाफ इमर्स है, ठीक है, और फ्लोट कर रही है, हाफ इमर्स होके फ्लोट कर रही है, रुकी हुई है, मतलब इसका वेट बैलेंस हो रहा है किस किस से, तो इसका वेट जो है एम जी वो बैलेंस हो रहा है, एक तो बायंड फोर्स लग रहा होगा बी इन रो जी, प्लस सरफेस चेंज की वजह से फोर्स लग रहा है, और इसमें बोला है कि सरफेस चेंज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सरफेस चेंज की वजह से फोर्स जो लग रहा होगा ये स्फेरिकल है, तो इतनी इस वाले डायमीटर पे लग रहा होगा, मतलब इस वाली सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा, ये हाफ इमर्स है तो इतनी सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा, और ऐसे टेंजेंशियल लग रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो कितना लगेगा टी इंटू टू पाई आर, क्योंकि टू पाई आर इसकी पूरी ये सर्कमफेरेंस ये वाली ये कांटेक्ट में होगी ऐसे। एम ड्रॉपलेट का मास क्या लिख सकते, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी डी है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब जी, बी इनको क्या लिख देंगे, बी इन हाफ इमर्स्ड है तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब रो जी प्लस टी इनटू 2 पाई आर,
देखो पाई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये क्या क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, एक तो 3, यहाँ से 2 और आर क्यूब, तो 2R³/3 और जी भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2D, और इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे रो बचेगा, तो 2D-ρ=T इंटू पाई तो हमने कैंसिल करवाई दिया था, T इंटू 2R, और क्या कैंसिल हो रहा है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये R² है, ये R है, एक R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर बचेगा R², ये जी के साथ इसको अकाउंट में ले आएंगे इधर, और इधर 3D, तो R² = 3D अपॉन 2D-ρ into G, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, अतः ये वाला ऑप्शन आ जाएगा B वाला, सिंपल। ठीक है, तो बायंड फोर्स और सरफेस टेंशन उसके वेट को बैलेंस करेगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, तो B आंसर आएगा इसका। तो जिसका बी आ रहा था उसका सही है। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, तो ई क्वेश्चन का क्वेश्चन था 2020 क्वेश्चन नंबर 65, तो टोटल 67 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए, ज्यादा नहीं किए, 2 दिन ही किए हैं, ज्यादा नहीं किए, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के थे, सॉलिड के, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन वाले क्वेश्चन। तो जो ई क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन हमारा, थ्योरी पूरा हो चुका है, डिस्कशन बच रहा है बस, तो तुम इसके क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें ई क्वेश्चनर के अंदर से क्वेश्चंस करने हैं, एक तुम्हें क्वेश्चंस बैंक मिली हुई है उससे क्वेश्चंस करने हैं, एक एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और शीट मिली है तो शीट से भी करना है, तो अब तुम्हें इसके क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर के, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, जिससे जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तुम जाओ तो पहले इजी क्वेश्चंस कर लो, इजी क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे तुम्हें, इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चन बैंक के अंदर, वहां से कर लो। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन कहोगे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं एनसीईआरटी के अंदर, और फिर ई क्वेश्चनरी के क्वेश्चन कर लो, शीट है शीट के क्वेश्चन कर लो, तो ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन करने हैं, और जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह जो भी आते हैं तो उसको तुम क्या करना है, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर तुम भेज सकते हो, सर ये ई क्वेश्चनरी के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर क्वेश्चन बैंक के अंदर एक्सरसाइज 1 में ये वाला क्वेश्चन, या एक्सरसाइज 2 में ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, या एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये मेरे डाउट है, तो उनको वहां पर तुम व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। फिर वहां से मैं क्या करूंगा, जब क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, मतलब जो 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास में हो जाए, तो उन क्वेश्चन का फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो ऐसा ये दिवाली तक ही है, मतलब फिर दिवाली के बाद तो फिर वापस मैं आ जाऊंगा, लाइव क्लास लग जाएगी तुम्हारी दोबारा से, है ना, तो टेंशन नहीं लेनी, पर अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जब तुम्हें तो फ्री टाइम मिलेगा, जैसे तुम्हारी जो अभी फिजिक्स की क्लास नहीं लगी है अब दिवाली तक, और ऐसे फिर केमिस्ट्री की या मैथ्स की क्लास भी शायद ऑफ रहे, तो उस टाइम तुम्हें पूरे टाइम मस्ती नहीं करनी है, क्वेश्चंस करने हैं ना, पहले से लिखने लगी सर हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली है सभी, तो आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, पर पढ़ाई करनी है ना, मतलब छुट्टी मतलब मस्ती मस्ती नहीं मारनी, क्वेश्चंस करने, चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करोगे इसके तो भूल जाओगे, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा एकदम, फिर तुम्हें दोबारा वापस वीडियोस देखने पड़ेंगे, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे समझने के लिए, फिर टाइम लगेगा ज्यादा, तो अभी जब दिमाग में चल रहा है मतलब फॉर्मूलाज वगैरह है तुम्हारे दिमाग के अंदर, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो उसी टाइम ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दो वरना। ठीक है, तो सभी को हैप्पी दिवाली, आज की क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू।